अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर मिसेस राव। हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट, टुडे द डेट इज़ 20th July 2020 एंड द डे इज़ मंडे। स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग आवर वर्किंग ऑफ यूनिट नंबर 6। ओपन योर साइंस नोटबुक एंड ड्रॉ योर मार्जिन लाइन, मैंशन योर डेट एंड डे एंड राइट डाउन यूनिट नंबर 6, टॉपिक मैटर एंड मटीरियल्स। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर रहे हैं हम यूनिट नंबर 6 की। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, यानी आज हम ट्रू फॉल्स कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी ट्रू फॉल्स की, वो है मैटर अपीयर्स इन फोर फॉर्म्स। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने अच्छी तरह से रीडिंग की होगी यूनिट नंबर 6 की, और रीडिंग के बाद तो ऑब्जेक्टिव जो है वो आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। आप आंसर भी जान चुके होंगे, मैटर अपीयर्स इन फोर फॉर्म्स। स्टूडेंट्स, मैटर की क्या फोर फॉर्म्स होती हैं? नो, थ्री फॉर्म्स हैं मैटर्स की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसलिए मैटर जो है वो अपीयर होता है थ्री फॉर्म्स में, ना कि फोर फॉर्म्स में। इट इज़ रॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, सो राइट डाउन हेयर एफ। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड स्टेटमेंट है हमारी गैसेस टेक द शेप ऑफ कंटेनर। स्टूडेंट्स, गैसेस जो हैं वो हम किसकी शक्ल लेती हैं? कंटेनर की। यस, इट इज़ ट्रू, टी फॉर ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, नंबर थर्ड स्टेटमेंट है हमारी सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप, मास एंड वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, जो सॉलिड सख्त चीज़ें होती हैं उसकी एक हतमी शक्ल होती है, मास उसका एक पैमाना मकदार होता है, मकदार होती है, एंड वॉल्यूम और उसका हजम होता है। यस, इट इज़ ट्रू, टी फॉर ट्रू। राइट डाउन टी फॉर ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट है हमारी, द ब्लड इन योर बॉडी इज़ नॉट अ लिक्विड। आपके जिस्म में जो खून बह रहा है स्टूडेंट्स, क्या वो लिक्विड नहीं है? इट इज़ रॉन्ग। स्टूडेंट्स, आपके जिस्म में जो ब्लड है वो लिक्विड है। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ रॉन्ग। राइट डाउन एफ फॉर फॉल्स। नंबर फाइव स्टेटमेंट, फिफ्थ स्टेटमेंट है आपकी, ऑरेंज जूस इज़ अ लिक्विड। स्टूडेंट्स, ऑरेंज जूस जो है वो आप लोग पीते भी होंगे, क्या वो लिक्विड होता है? यस, इट इज़ ट्रू, टी फॉर ट्रू। नंबर सिक्स इज़ एटम्स आर टाइनी पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स, एटम्स जो होते हैं वो छोटे ज़रात होते हैं, बहुत छोटे ज़रात होते हैं। यस, इट इज़ ट्रू, टी फॉर ट्रू। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा आज का, राइट करेक्ट आंसर इन कॉलम सी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने राइट डाउन किया हुआ है कॉलम ए, कॉलम बी एंड कॉलम सी। यहाँ पे कॉलम जो है वो मैंने लाइंस के साथ ड्रॉ किया हुआ है। फर्स्ट कॉलम में, कॉलम ए में, मैंने जो है मैटर की यहाँ पे फॉर्म्स हैं जो मैंने शो करवाई हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये मैटर की थ्री फॉर्म्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट कॉलम बी में जो है वो हम इसकी जो है ब्लड है, बैलून है और हैमर है। सॉलिड के, लिक्विड, गैस के साथ जो लिंक होती है चीज़, उसके साथ आपने उसका करेक्ट आंसर जो है वो चूज़ करके यहाँ पे कॉलम सी में राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स फर्स्ट है हमारा सॉलिड। सॉलिड सख्त चीज़ को कहते हैं स्टूडेंट्स। इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपकी जो है वो सॉलिड है, ब्लड है, बैलून है, हैमर है। हैमर स्टूडेंट्स, हैमर आपकी सॉलिड चीज़ है, इसलिए जो है आपने सॉलिड के आगे आपने करेक्ट आंसर जो है हमारा वो हैमर है सॉलिड का। ओके स्टूडेंट्स, राइट डाउन हेयर हैमर, एच ए डबल एम ई आर, हैमर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा नंबर 2 पे है लिक्विड। लिक्विड स्टूडेंट्स हमारा क्या है, ब्लड है या बैलून है? ब्लड है। ओके स्टूडेंट्स, राइट डाउन हेयर ब्लड, बी एल डबल ओ डी, ब्लड। नंबर सी, नंबर थर्ड पे है स्टूडेंट्स गैस। गैस जो है वो हवा की तरह होती है, तो किस में हम लोग गैस फिल करते हैं? बैलून में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करेक्ट आंसर जो है वो हमारा गैस का वो है बैलून।
राइट डाउन हेयर बैलून BALLOON बैलून। ऐसे ही राइट डाउन करना है आपने ट्रू फॉल्स और अपना कॉलम आज का अपनी नीट नोटबुक पे, और इसको लर्न करना है अच्छे तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।